जय हिंद दोस्तों, मैं सत्रकार चौरसिया अपने YouTube चैनल VP स्टूडेंट कॉर्नर में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख घटनाओं के साथ आज के साथ मैं हूं। आगे बढ़ने से पहले एक बात करना चाहूंगा, अगर आपको करंट अफेयर्स की आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। एक बात और दोस्तों, अगर आपको इसका PDF भी प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये YouTube चैनल और टेलीग्राम चैनल का डायरेक्ट लिंक है, आप इस पे से क्लिक कीजिए, आप हमारे चैनल से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रणब मुखर्जी, पहला प्रश्न है आज का कि प्रणब मुखर्जी भारत रत्न पाने वाले भारत के कौन से राष्ट्रपति बने हैं। अभी हाल ही में 3 महान विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो उनमें से एक हमारे प्रणब मुखर्जी भी हैं। तो यही पूछा गया है कि प्रणब मुखर्जी भारत रत्न पाने वाले भारत के कौन से राष्ट्रपति बने हैं। विकल्प हैं 4th, 5th, 6th या फिर 7th। दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि किन किन पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर वी गिरीव, इन 4 पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इस प्रकार प्रणब मुखर्जी हमारे भारत के 5वें राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी, 5वें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन भारत रत्न से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, और हो सकता है कि आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछ लें, इसलिए भारत रत्न संबंधित कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मैं इसकी स्थापना के बारे में बता रहा हूँ कि भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी। भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 को, डेट एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, सन 2 जनवरी 1954 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, जो कि हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। इन्हें सन 1954 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1961 में दिया गया था, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में दिया गया था, उसके बाद डॉक्टर वी गिरी को 1975 में यह सम्मान प्रदान किया गया था। अभी तक कुल 48 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। दोस्तों, भारत रत्न 4 साल बाद दिया गया है। इसके पहले सन 2015 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व BHU के संस्थापक, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय को यह सम्मान सन 2015 में दिया गया था। दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत रत्न नहीं दिया गया है। हाल ही में किसे भारत रत्न नहीं दिया गया है। विकल्प हैं प्रणब मुखर्जी, भूपेश हजारिका, नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों, सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में हमें आंसर करने के लिए यह जानकारी होनी चाहिए कि किसमें क्या नहीं किया गया है। जैसे अगर यहाँ पे है कि किसे नहीं दिया गया है, तो हमें यह जानकारी होनी कि किसे दिया गया है। जिसे दिया गया है उसके बाद ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि किसे नहीं दिया गया है। तो आप जानते ही हैं कि अभी हाल ही में 26 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति जी ने घोषणा किया था कि प्रणब मुखर्जी, भूपेश हजारिका, नानाजी देशमुख को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 4, अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न सन 2015 में पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ दिया गया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 10 अगस्त 2019 को किस राज्य में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया था। विकल्प है झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पंजाब। दोस्तों, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 10 अगस्त 2019 को झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के प्रथम चरण में 15 लाख किसान लाभान्वित होंगे, ताकि किसान बीज, उर्वरक, कीटनाशक समेत अन्य जरूरी संसाधन खरीद सकें। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों झारखंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य में मुख्यमंत्री समृद्धि योजना को शुरू करने की घोषणा की है। प्रश्न है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री समृद्धि योजना को शुरू करने की घोषणा की है। विकल्प है हरियाणा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश व मध्य प्रदेश। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा हरियाणा। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री समृद्धि योजना को शुरू करने की घोषणा किया है। दोस्तों, अब हरियाणा राज्य आ गया, तो हरियाणा राज्य से संबंधित आपको ये जानकारी रखनी चाहिए कि हरियाणा की सबसे पहले राजधानी क्या है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के इस समय प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन हैं। हरियाणा के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, और वहाँ की राज्यपाल सत्यदेव नारायण आचार्य हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री समृद्धि योजना के बारे में बता देना चाहूँगा आपको कि जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 से कम है, या फिर अगर उनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, तो उनके परिवार को प्रतिमाह 500 रुपये दिए जाएंगे।
इस प्रकार से यह 1 साल में 6,000 रुपये प्रति साल दिया जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त या फिर 12 अगस्त? दोस्तों इसका सही जवाब होगा, प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व जैव ईंधन दिवस 2019 की थीम क्या है? विकल्प है पृथ्वी को जैव से ईंधन से बेहतर बनाना, जैव ईंधन बेहतर ईंधन, सुरक्षित भविष्य के लिए शिक्षा और कार्रवाई, प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल फ्रॉम यूज कुकिंग ऑयल UCO। दोस्तों इसका सही जवाब होगा विकल्प डी, विश्व जैव ईंधन 2019 की थीम प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल फ्रॉम यूज कुकिंग ऑयल UCO है। दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व जैव ईंधन नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? विश्व जैव ईंधन नीति लागू करने वाला अपने भारत देश का प्रथम राज्य कौन सा है? विकल्प है मणिपुर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक। इसका सही जवाब होगा दोस्तों राजस्थान। राजस्थान ने जैव ईंधन नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य होने का गौरव हासिल किया है। और इनके बारे में बताना चाहूँगा, सबसे पहले राजस्थान की राजधानी जयपुर है, राजस्थान के मुख्यमंत्री वर्तमान समय के अशोक गहलोत हैं और राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो कल्याण सिंह हैं। दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, किसी भी परीक्षा में अपीयर होने से पहले आपने तैयारी तो पूर्ण रूप से की होती है, लेकिन आप राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्य रूप से राज्यपालों के नाम तो जरूर याद करके जाएं, क्योंकि आजकल हर एक परीक्षा में एक राज्य का राज्यपाल के बारे में तो जरूर पूछा जा रहा है। और ख़ासतौर से अभी अभी जो पिछले टाइम पिछले महीने 5 राज्यों के राज्यपालों का स्थानांतरण किया गया है, उन्हें नई नियुक्ति मिली है, उसे भी आप जरूर याद रखें। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, किस देश के वैज्ञानिकों ने सबसे बारीक सोने का निर्माण किया है? प्रश्न एक बार फिर से, किस देश के वैज्ञानिकों ने सबसे बारीक सोने का निर्माण किया है? विकल्प हैं ब्रिटेन, चीन, अमेरिका और फिर रूस। दोस्तों ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने सबसे बारीक सोने का निर्माण किया है, इसका नाम इसे दिया गया है गोल्डन एल्गी। नाम एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि इस बारीक सोने का जो निर्माण किया गया है उसका नाम है गोल्डन एल्गी। इनका उपयोग मेडिकल के क्षेत्र में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के क्षेत्र में होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 में पारित होने पर धारा 370 हटने के बाद कारगिल और लेह जिले किस केंद्र शासित प्रदेश में होंगे? दोस्तों इस एक प्रश्न में कई उत्तर छुपे हुए हैं और कई प्रश्न सम्मिलित हैं। सबसे पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में कौन सा विधेयक पारित किया गया है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित किया गया है दोस्तों, एक बात का ध्यान दीजिएगा, 2018 नहीं 2019, ठीक। और ये तो हो गया विधेयक के बारे में, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित होने के बाद धारा 370 हटने के बाद, कौन सा धारा हटा है? धारा 370, और धारा 370 के हटने पर 35A धारा ऑटोमेटिक हट गया था। हटने के बाद कारगिल और लेह जिले किस केंद्र शासित प्रदेश में होंगे? विकल्प हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तीसरा विकल्प है कारगिल जम्मू कश्मीर में होगा और लेह लद्दाख में होगा, या फिर लेह जम्मू कश्मीर में होगा और कारगिल लद्दाख में होगा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा लद्दाख। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित होने के बाद धारा 370 हटने के बाद कारगिल और लेह जिले लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में होंगे। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देश के किस राज्य के विद्रोही समूह नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने सरकार के साथ त्रिपक्षीय शांति वार्ता समझौता किया है? दोस्तों सबसे पहले विकल्प सुन लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर त्रिपुरा। दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे तो इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिपुरा। तो देश के किस राज्य के विद्रोही समूह नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLAFT ने सरकार के साथ त्रिपक्षीय शांति वार्ता समझौता किया है? वह है त्रिपुरा। दोस्तों त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और वहाँ के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव हैं, वहाँ के राज्यपाल रमेश बैस हैं। राज्यपाल का नाम एक बार फिर से दोहरा देना चाहता हूँ, त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस हैं। अब आपको बताते हैं कि NLAFT के बारे में कुछ बातें। NLAFT 88 सदस्य आत्मसमर्पण करेंगे। यह संगठन त्रिपुरा में 317 विद्रोही घटनाओं सहित हिंसा की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार रहा है। NLAFT पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम 1997 के तहत प्रतिबंध लगा हुआ था। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ पर 9 अगस्त को वृक्षारोपण महाकुंभ के तहत 22 करोड़ पौधे लगाकर किस राज्य ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों
प्रश्न एक बार फिर से पढ़ देना चाहता हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ पर 9 अगस्त को वृक्षारोपण महाकुंभ के तहत 22 करोड़ पौधे लगाकर किस राज्य ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों इस एक प्रश्न में तीन प्रश्न छुपे हुए हैं। सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा सन 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रवर्तन हुआ था। और वृक्षारोपण महाकुंभ किस थीम के तहत? वृक्षारोपण महाकुंभ के तहत। अब कितने पौधे लगाए थे? 22 करोड़ पौधे 12.5 लाख जगहों पर लगाया गया था और यह एक विश्व रिकॉर्ड है। इसके पहले यह विश्व रिकॉर्ड महाराष्ट्र के नाम था और अब यह विश्व रिकॉर्ड किसके नाम पे है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ पर 9 अगस्त को वृक्षारोपण महाकुंभ के तहत 22 करोड़ पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के पंजीकरण की प्रक्रिया पुनः कब शुरू की गई? दोस्तों यह डेट बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना पहले भारत सरकार की केंद्र सरकार की पूर्व की योजना है और यह 9 अगस्त 2019 को पुनः शुरू की गई। इसका सही जवाब होगा 9 अगस्त 2019। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने आंध्र प्रदेश तेलंगाना और गुजरात महाराष्ट्र के बीच एक योजना पूरे देश में कब से लागू होगी? दोस्तों यहाँ पे मैंने खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री का नाम इसलिए मेंशन कर दिया है कि अभी मतलब एक दो पेपर हुए हैं उनमें मंत्रालय दे दिया गया था और पूछा था कि इस मंत्रालय के मंत्री कौन हैं, इस मंत्रालय के मुखिया कौन हैं, इसलिए हमने यहाँ पे उनका नाम भी दे दिया। खाद्य और सार्वजनिक मंत्री रामविलास पासवान जी हैं और इन्होंने आंध्र प्रदेश तेलंगाना और गुजरात महाराष्ट्र के बीच एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का शुभारंभ किया। दोस्तों इसका ध्यान रखिएगा, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का शुभारंभ किया इन्होंने आंध्र प्रदेश तेलंगाना और गुजरात महाराष्ट्र के बीच। यह योजना पूरे देश में 1 जून 2020 से लागू होगी। दोस्तों इस एक प्रश्न में चार प्रश्न छुपे हुए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछ सकता है कि किन दो राज्यों के बीच, तो इसका राज्यों के नाम याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, उसके बाद गुजरात महाराष्ट्र। ठीक, अब उसके बाद आते हैं कि किस योजना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किस एयरलाइंस ने बिक्री व यात्रा के लिए 30 मार्च 2020 तक वैध डिस्कवर इंडिया योजना की शुरुआत की? दोस्तों योजना का नाम है डिस्कवर इंडिया योजना, इंडिया एयर इंडिया ने इसे शुरू किया है। इसका सही जवाब होगा कि एयर इंडिया एयरलाइंस ने बिक्री व यात्रा के लिए 30 मार्च 2020 तक वैध डिस्कवर इंडिया योजना की शुरुआत की। दोस्तों अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मरुस्थली से लड़ने के लिए अभी समय, COP14 के लिए पार्टियों के सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों गुरुग्राम में। गुरुग्राम में संयुक्त राष्ट्र का मरुस्थली से लड़ने के लिए अभी समय, COP14 के लिए पार्टियों के सम्मेलन का 14वां संस्करण आयोजित होगा। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, इसका सही जवाब होगा दिल्ली। दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र का मरुस्थली से लड़ने के लिए अभी समय, COP14 के लिए पार्टियों के सम्मेलन का 14वां संस्करण आयोजित होगा, वो भी होगा 2 से 13 सितंबर 2019 के बीच। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म प्रैक्टो ने किस बैंक के साथ साझेदारी करके पहले को ब्रांडेड हेल्थ क्रेडिट कार्ड की लॉन्च किया? दोस्तों प्रश्न है किसने, तो ध्यान दीजिएगा, डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म प्रैक्टो ने किसके साथ, किस बैंक के साथ साझेदारी करके पहले को ब्रांडेड हेल्थ क्रेडिट लॉन्च, कौन सा कार्ड, हेल्थ क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों RBL बैंक ने। RBL बैंक ने प्रैक्टो के साथ साझेदारी करके पहले को ब्रांडेड हेल्थ क्रेडिट लॉन्च की। दोस्तों अगला प्रश्न है, इंडियन बैंक ने किस बैंक के साथ अपने ग्राहकों को लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की पेशकश करने के लिए समझौता किया है? प्रश्न है इंडियन बैंक ने किस बैंक के साथ अपने ग्राहकों को लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की पेशकश करने के लिए समझौता किया है? इसका सही जवाब होगा आदित्य बिरला सन लाइफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस IIT ने मानव मूत्र का पुनर्चक्रण करने के लिए एक नया विधि विकसित की है? दोस्तों आगे बढ़ने से इसका सवाल विकल्प सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT रुड़की या फिर IIT खड़गपुर। दोस्तों इस समय IIT जितने भी खोजे कर रहा है, नहीं नहीं अभी तक लगभग 4 या 5 खोजे हो चुकी हैं, 4-5 नहीं मतलब जनवरी से लेकर इस समय तक लगभग 10 खोजे नई किया है विभिन्न IITओं ने। तो ये IIT के जितने भी खोजे हैं आप उनका एक नोट्स बना लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं सिर्फ 10 ही है, और उसके अकॉर्डिंग उसे याद कीजिए, क्योंकि दोस्तों IIT से संबंधित भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस IIT कॉलेज ने मतलब इस विधि का खोज किया है। तो अब आइए इस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि IIT ने मानव मूत्र का पुनर्चक्रण करने की विधि विकसित की है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों
आईआईटी मद्रास ने मानव मूत्र का पुनर्चक्रण करने की विधि विकसित की है। अब आईआईटी ये है क्या, मानव मूत्र का पुनर्चक्रण करने की विधि ये है क्या, आइए इसके बारे में बता देते हैं कि प्रोजेक्ट वाटर साइकिल ने जुलाई 2019 में इंडियन इनोवेशन ग्रोथ प्रोग्राम 2.0 का अवार्ड जीता था। दोस्तों, इस मानव मूत्र का पुनर्चक्रण करने की जो विधि विकसित की गई है, इसे अवार्ड भी मिल चुका है। अब यह प्रोसेस क्या है, दोस्तों मानव मूत्र, आप जानते हैं कि मानव मूत्र में यूरिया भी सम्मिलित होता है, तो यूरिया को अमोनिया में परिवर्तित करने के लिए संकेंद्रित यूरिन को 3 दिनों तक संग्रहित किया जा सकता है। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के माध्यम से 90% पानी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थर्ड इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक मोटर कंक्लेव 2019 का शुभारंभ कहाँ किया गया, इसका सही जवाब होगा गुरुग्राम। गुरुग्राम में थर्ड इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक मोटर कंक्लेव 2019 का शुभारंभ किया गया। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन नेवी का कौन सा जहाज साउदर्न फ्लीट ओवरसीज डिप्लॉयमेंट 01/2019 के हिस्से के रूप में 3 दिवसीय यात्रा पर अगस्त 2019 में बर्गन नॉर्वे की बंदरगाह में प्रवेश किया। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ख़ासतौर से जिन्होंने अभी एयरफोर्स या फिर एफकेट का एग्जाम देना है उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ। इंडियन नेवी का कौन सा जहाज साउदर्न फ्लीट ओवरसीज डिप्लॉयमेंट 01/2019 के हिस्से के रूप में 3 दिवसीय यात्रा पर अगस्त 2019 में बर्गन नॉर्वे में है बर्गन के बंदरगाह में प्रवेश किया। इसका सही जवाब होगा दोस्तों INS तर्कस। INS का फुल फॉर्म होगा इंडियन नेवी शिप। दोस्तों, ये तो हो गया आज के प्रमुख टॉप करंट अफेयर। अब बढ़ते हैं कि पिछले प्रश्न का उत्तर। हमने कल आपसे 2 क्वेश्चन पूछा था, उनमें से पहला प्रश्न था भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन कहाँ चलाई जाएगी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा कोलकाता। भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन कोलकाता में चली जाएगी। अब हुगली नदी के किनारे चली जाएगी। ध्यान दीजिएगा, किस नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे चलाई जाएगी दोस्तों। और यह 16 किलोमीटर लंबी कोलकाता मेट्रो परियोजना है, 16 किलोमीटर लंबी है ये, ठीक। और बस इतनी जानकारी इसके लिए बहुत है कि भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन कोलकाता में चली जाएगी हुगली नदी के किनारे। इसकी लंबाई टोटल 16 किलोमीटर है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले आंसर की तरफ। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं, अभी जब से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 लागू हुआ है उसके बाद से भारत में कुछ राज्यों और कुछ केंद्र शासित राज्यों का विघटन और पुनर्निर्माण हुआ है। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं, पहले भारत में कुल 29 राज्य थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर क्योंकि केंद्र शासित राज्य बन गया इसकी वजह से, और 370 हटने के बाद 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों का उद्गम हुआ। तो इस प्रकार भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित राज्य हैं, क्योंकि 7 पहले से थे और 2 नए बने हैं, तो टोटल कितना हो गया, 9। दोस्तों, अब आज का प्रश्न है, 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम का क्या नाम था। दोस्तों, एक बार फिर से है, 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था, फैट मैन, थिक मैन, स्माइलिंग बुद्धा या फिर लाफिंग बुद्धा। दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न है, भारत रत्न सम्मानित नानाजी देशमुख का वास्तविक नाम क्या है। विकल्प है चंडिका राव, अमृत राव देशमुख, गोपाल नंद देशमुख, रामोजी बलदेव देशमुख या फिर चंडिका राव नीलकंठ देशमुख। दोस्तों, इस प्रश्नों के जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऐसे ही लेटेस्ट करंट अफेयर्स को पाने के लिए कृपया आप हमारे यूट्यूब चैनल VP स्टूडेंट कॉर्नर को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक बात और दोस्तों, यदि कोई सुझाव हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल के लिंक हैं, आप हमारे PDF को डाउनलोड करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आप इसे क्लिक करने पे ही आपको PDF प्राप्त हो जाएंगी। और जितने भी प्रकार के करंट अफेयर्स या कुछ और एजुकेशन रिलेटेड मटेरियल हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ जाके आप हमारे यूट्यूब चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।